संत कबीर कहते हैं कि अपना घूंघट हटाओ तो पीयू का दर्शन होगा। घूंघट किसे कहते हैं? जो महिलाएं अपने मुखमंडल को ढकने के लिए धोती को लंबा करके मुंह को ढांकती हैं उसको घूंघट कहते हैं। आज के 20 वर्ष पहले घूंघट की परंपरा थी, अब धीरे धीरे घूंघट कम होता जा रहा है। अब घूंघट के बजाय ऊंघट हो रहा है। जितना धोती आगे लटकाती थी महिलाएं उतना पीछे लटकाती हैं, उसको ये पता नहीं मुंह आगे है कि मुंह पीछे है। उसको मैं ऊंघट बोलता हूँ। आगे लटकाओ धोती तो घूंघट, और पीछे लटका दो तो ऊंघट, और जमीन में लटका दो तो झंझट। लोग बहुत खुश है। और घूंघट दूसरा जो आप अपने मकान के गेट के सामने पर्दा डालते हैं ना, खिड़कियों में पर्दा, गेट में पर्दा, पंडाल में पर्दा, पर्दा का मतलब होता है थोड़ा आड़ करना, छिपाना। तो ये महिलाओं के मुखमंडल पर जो घूंघट डाला जाता था या घूंघट डालती थी, इसलिए ये अपना चेहरा छिपाने के लिए कि मेरा चेहरा कोई अस्पष्ट देख ना पाए। क्यों? क्योंकि प्राचीन समय में महिलाएं बहुत सुंदर होती थी। इस कलयुग में अब सुंदर नहीं जाता है। अब तो ब्यूटी पार्लर की दुकान में जाकर के नकली सुंदरता खरीदती हैं, बाकी है नहीं सुंदर। अगर सुंदर होती तो पर्दा डाल लेते कि देख ना पाए कोई। और नर नारी के बीच में पर्दा इसलिए भी पड़ता था कि जैसे बैटरी में प्लस माइनस का आकर्षण होता है ना, ऐसे नर नारी में भी आकर्षण होता है। तो जब घूंघट पड़ जाता था तो पुरुष लोग नारियों के चेहरे को अस्पष्ट देख नहीं पाते थे, तो आकर्षित नहीं होते थे ज्यादा। और नारियां भी पुरुषों को ठीक से देखती नहीं थी तो वो भी आकर्षित नहीं होती थी। तो इससे चरित्र की रक्षा होती थी। अब ये घूंघट उठ जाने से दोनों खुल्लम खुल्ला देखते हैं तो दोनों आकर्षित भी ज्यादा हो जाते हैं और गलती भी ज्यादा करते हैं। जैसे कल बोलो मंडल सांसद बता रहे थे ना कि भ्रष्टाचार और व्यभिचार बहुत फैल गया, तो ऐसे फिर व्यभिचार फैलता है, इसलिए थोड़ा छिप के रहना पड़ता था। परंतु आपके मुखमंडल पर घूंघट हो न हो, पर एक काम कर लीजिए, आपके पास में विवेक होना चाहिए। केवल मुंह ढकने से आपका मन कंट्रोल नहीं होगा, विवेक होने से आपका मन कंट्रोल हो जाएगा। तो माताओं बहनों के अंदर भी विवेक पैदा हो जाए, पुरुषों के अंदर भी विवेक पैदा हो जाए। जिसके साथ विवाह कीजिए उसको पत्नी के रूप में देखिए, उसको पति के रूप में देखिए, और बाकी नर नारियों को भाई बहन और माँ बाप की तरह देखिए, तो आपका मन कभी गंदा नहीं होगा। फिर तुम नर के रूप में राम हो और तुम नारी के रूप में सीता जी हो। और इन भोगों में है भी कुछ नहीं सार, कुछ नहीं। राजा भर्थरी ने बहुत अच्छा लिखा है, भोगा न भुक्ता वही में उपभोक्ता। भोगों को मैंने नहीं भोगा है बल्कि भोगों ने हमको भोगा है। गांधी जी कहते थे शराब तुम नहीं पीते हो बल्कि शराब तुमको पी जाती है। बड़ा विचार करने का विषय है, समझदारी का विषय है। भोगा न भोक्ता वही में उपभोक्ता। शराब तुम पीते हो लेकिन आप गौर कीजिए,
शराब आपका पैसा पी जाती है, शराब आपकी इज्जत पी जाती है, शराब आपका धन पी जाती है, शराब आपका स्वास्थ्य पी जाती है, शराब आपकी मान मर्यादा को पी जाती है, शराब तुम्हारी जिंदगी को पी जाती है, शराब परिवार को भी पी जाती है, शराब सोना चांदी को पी जाती है और शराब पीने वाले को भी शराब पी जाती है। शराब तो आज भी जिंदा है लेकिन शराबी कोई जिंदा नहीं रहता है, शराबी को शराब पी कर खत्म कर देती है। इसलिए विवेकवान व्यक्ति कभी शराब नहीं पीता है, और पीना है तो सत्संग की शराब पियो। तो साहब कहते हैं तुम्हारे मन के ऊपर घूंघट माया मोह का पर्दा पड़ा हुआ है, और ये माया मोह का पर्दा जब तक नहीं हटाओगे तब तक तुम इस आत्मा रूपी परमात्मा को समझ भी ना पाओगे। और ये माया मोह साधारण नहीं है, ये माया मोह बड़ा विचित्र है। इस माया मोह में संसार के बहुत से लोग फंसे हुए हैं। मेरा है मूढ़ जन्म भर करता, एक दिन मिट्टी के नीचे वह पड़ा पड़ा है सड़ता। मैं मेरी माया के पिंजड़े से उड़कर निर्मोही, भाग चले जाऊं उस प्रदेश को जो असंग यद्रोही। मुट्ठी बांध सभी आते हैं हाथ पसारे जाते, महामूढ़ता मोहित मानो गढ़ते झूठे नाते। मुट्ठी बांध करके तुम्हारा जन्म होता है और दुनिया से जाते हो तो हाथ भी साथ नहीं जाते। ऐसे तो लोग कहते हैं कि खाली हाथ सबको जाना होता है, पर मैं सच कहता हूँ कि खाली हाथ भी साथ नहीं जाते, हाथ भी यहीं छूट जाते हैं। किसके साथ में हाथ जाते हैं? हाथ और टांग और मुंह और पेट सब यहीं रह जाता है, आग में दफन किया जाता है। ये जाता कहाँ है? कुछ नहीं जाता। और जब हाथ साथ नहीं जाते हैं तो हाथ में पैसा कैसे साथ जाएगा? ये जितने लोग काला धन इकट्ठा करके स्वेज बैंक में जमा करते हैं, ये धन क्या इनके साथ जाएगा? नहीं जाएगा। ये परिवार भी साथ नहीं जाएगा, कुटुंब कमीला कुछ साथ नहीं जाएगा। ये दौलत, ये औरत, ये मकान, ये शोहरत, ये मोहब्बत, ये कुछ भी साथ जाने वाली नहीं है। लेकिन तुम्हारे साथ में कुछ तो जाएगा। मैं अगर कहूँ तुम्हारे साथ कुछ नहीं जाएगा तो ये भी झूठ है। कुछ जाएगा, कुछ जाएगा, बहुत कुछ नहीं जाएगा। और कुछ जाएगा वो क्या जाएगा, वो मैं बता देता हूँ। ये जाएगा, आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले एक बंधे जात जंजी। बस यही बात है। पुण्य करने वाला, धर्म करने वाला, परोपकार करने वाला, भक्ति करने वाला, सत्संग सुनने वाला, वो तो पुण्य के सिंहासन पर बैठ कर जाता है, पुण्य के सिंहासन पर बैठ कर जाता है। कुकर्म करने वाला, दुष्कर्म करने वाला, व्यभिचार, अनाचार, भ्रष्टाचार, दुराचार, बलात्कार, पापाचार करने वाला और दूसरों को सताने वाला, दुख देने वाला, कर्तव्यहीन व्यक्ति, कुकर्म करने वाला, वो पाप की जंजीरों में बंद कर जाता है, पाप की जंजीरों में बंद कर जाता है। दो ही चीज है, यहाँ नेकी बदी दो रास्ते हैं, जरा गौर से सुन लो। तुम्हें चलना है जिस मार्ग से अपना रास्ता चुन लो। ये मत सोचना मेरी सासू मुझसे प्रेम नहीं करती है, करे ना करे कोई चिंता नहीं है, तुम प्रेम उससे कर देना, तुम अपना फर्ज निभा देना, अपना कर्तव्य निभा देना। ये मत सोचना मेरे बाप ने मेरे लिए मकान बनाया नहीं है, मैं उससे नाराज हूं, नहीं नहीं, वो मकान बनाए ना बनाए लेकिन तुम अपने बूढ़े बाप के लिए, आने वाले बेटों की पीढ़ियों के लिए अच्छा मकान बना कर दे देना। उनसे टेंशन मत लेना, गुस्सा मत करना।
ये भी मत सोचना मेरे पिताजी ने मुझको जमीन नहीं दिया। अरे जमीन दो न दो, कम से कम मुझे पैदा कर दिया यही बहुत है। अब जमीन तो हम खुद पैदा कर देंगे, चिंता की बात नहीं है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के माता पिता ने कौन सी जमीन दिया था, कौन सी प्रॉपर्टी दिया था, कौन सी दौलत दिया था? वो गरीब घर में पैदा होने वाला बालक आज प्रधानमंत्री बन गया। कर भैया वाले अपनी छाण बिरानी आस, जाके आंगन न दिया वह सो कसमरे पियास। बोलिए सतगुरु देव की। अपनी बाहु बजाओं का बल लगाइए, विचार कीजिए, आपके अंदर बहुत बड़ी ताकत छिपी हुई है। अपने को महान बनाने की सामर्थ्य आपके अंदर है। तुम ऐसे परेशान मत होइए, ये रोना कभी मत रोना कि मेरे सास ससुर ने मुझको दहेज में कुछ भी नहीं दिया। दहेज चाहिए ही नहीं, केवल उनकी बेटी चाहिए। अगर उन्होंने बेटी दिया है ये कोई कम नहीं है। और याद रखना, कोई 10 लाख रुपया आपको दे देगा, अगर सद्बुद्धि नहीं है तो रुपया तुम जुआ खेल कर 10 दिन में बर्बाद कर दोगे। लेकिन कोई अगर सद्बुद्धि भी दे देगा तो 10 लाख नहीं 50 लाख तुम खुद कमा लोगे और उल्टे उसको 10 लाख दे दोगे। सद्बुद्धि पैदा करो। मैं बेटे और बेटियों से कहूंगा कि ऊंची शिक्षा प्राप्त करो, अपने को योग्य बनाओ, अपने आप को आगे बढ़ाओ। इस साधारण से काम नहीं चलेगा। अपने आप को अगर योग्यता नहीं प्राप्त कर पाते हो, किसी दूसरे के देने से काम चलने वाला तुम्हारा नहीं है। और याद रखना, यदि देने योग्य हो तो देना भी चाहिए, और कोई दे रहा हो तो लेने योग्य हो तो लेना भी चाहिए। अगर ज्यादा देने योग्य हो तो ज्यादा भी देना चाहिए, और नहीं देने योग्य हो तो कम से कम प्रेम दे देना चाहिए, क्योंकि प्रेम बहुत बड़ी चीज होती है। जिसको तुम प्रेम दे देते हो उसका मन खुशियों से भर जाता है, और जब प्रेम नहीं मिलता है तो सब कुछ दे दो लेकिन उसको खुशियां नहीं मिलती हैं। इसलिए अपने बूढ़े माता पिता को प्रेम देना चाहिए ताकि माता पिता खुश रह सके। गुस्सा को भी कंट्रोल रखिए, गलतियां करना छोड़िए। जिस सभा में बैठे हो वहां की मर्यादाओं का पालन कीजिए। भाइयों बहनों याद रखना, सभा का रंग आपके ऊपर चढ़ना चाहिए। आज सत्संग सुनकर के जाना संकल्प ले लेना कि अपने घर में आज से शांति बनाकर रहूंगा, गम खा लूंगा, मेहनत करूंगा, समता सुमत सहनशीलता रखूंगा। गम खाने वाले लोगों की गम मिट जाती है, जो गम नहीं खा पाते हैं खुद ही मिट जाते हैं, और जिनको गम खाना आ गया उनका दुनिया में नाम हो जाता है, और जो गम नहीं खा पाते हैं उनका दुनिया से काम तमाम हो जाता है, दुनिया से काम तमाम हो जाता है। गम नहीं खा सकोगे तो परिवार के साथ रह नहीं सकोगे, गम नहीं खा सकोगे तो पार्टी में टिक न सकोगे, गम नहीं खा सकोगे तो संत मंडली में चल न सकोगे, गम नहीं खा सकोगे तो आश्रम में निपट नहीं सकोगे, गम नहीं खा सकोगे तो सास ससुर माता पिता के साथ में रह न पाओगे, और गम खा लोगे तो सभी जगह तुम अपना स्थान बना लोगे और सभी जगह आनंद आने लगेगा। तुम्हारे से भी गलतियां होती हैं, दूसरे गम खाते हैं, तुम्हारे से भूल होती है दूसरे लोग सहनशीलता रखते हैं, तुम्हारे से चूक होती है दूसरे लोग सह लेते हैं, तो दूसरों से अगर चूक हो जाए तो तुम भी सह लिया करो, तुम भी गम खा लिया करो, और उनको क्षमा कर दिया करो, और उनके साथ में प्रेम से रह लिया करो। अपने मन की सबसे करवाने के लिए भी मत सोचो, जो आपके विचारों के अनुसार चलता है ठीक है, नहीं चलता है तो जितना चलता उतना ठीक है, और जो बिल्कुल उल्टा चलेगा वो आपसे अलग हो जाएगा, दूर हो जाएगा, उसकी चिंता भी तुमको छूट जाएगी। परस्पर का प्रेम घर परिवार का स्वर्ग है। मैं आपसे निवेदन करूँगा, आपका जीवन बहुत अच्छा है, तुम सब महान हो। एक दूसरे का ख्याल रखना, अपने घर को सुंदर स्वर्ग बनाना,
और भगवान कहाँ रहता है? कबीर साहब कहते, घट घट में वह साईं रमता, कटुक बचन मत बोल रे, सब घट के अंदर साईं है, मठ में नहीं घट में। मठ में तो भगवान की मूर्ति है, लेकिन घट में आत्मा रूपी परमात्मा स्वयं विराजमान है। इस आत्मा को मन और इंद्रियां भटकाती हैं। जब ये आत्मा का विवेक जागृत हो जाता है तो ये मन इंद्रियों को वश में कर लेता है, तब ये हमेशा के लिए सुखी हो जाता है। आपका मन आपके वश में रहे, आपकी इंद्रियां आपके कंट्रोल में रहें और आपके अंदर अच्छे अच्छे गुण पैदा हों, आप अपने भीतर की यात्रा कर सकें, आपका मन बाहर भटकने न पाए और आपके पास धन हो न हो लेकिन फिर भी आप प्रसन्न रहें, आप पैदल चलें तो भी खुश रहें, आप सूखी रोटी और चटनी खाएं तो भी मुस्कराते रहें, आपके पास में सस्ती साड़ी हो तो भी हंसते रहें, आपके बदन पर सोने चांदी के गहने न हों फिर भी आपके आनंद आता रहे, और आपके पास में बहुत बड़ा महल हो फिर भी चहल पहल उठती रहे, और आपके पास में 50 लाख की गाड़ी हो और फिर भी आपके अंदर अहंकार ना हो, आपकी बहुत महंगी साड़ी हो फिर भी अहंकार ना हो, आपके द्वार पर खड़ी कार हो लेकिन दिल में अहंकार ना हो, तब समझ लो जीने की कला गई है। ऐसी जिंदगी ही धन्य बनाती है और आपको सुखी बनाती है। कल प्रातःकाल की मीटिंग में ईश्वर कहाँ रहता है, भगवान कहाँ रहता है, इस विषय को रखा गया था। इस विषय की व्याख्या अधूरी बच गई थी, आज पुनः इस पर हम विचार करते हैं कि भगवान कहाँ रहता है। घट घट वह साईं रमता, कटुक बचन मत बोल रे, घूंघट के पट खोल रे, घट घट में वह साईं रमता, कटुक बचन मत बोल रे, घूंघट के पट खोल रे। कबीर साहब कहते हैं कि तुम्हारा परमात्मा, तुम्हारा साईं तुम्हारे घट में निवास करता है। कैसे निवास करता है? जैसे ज्यो तिल माही तेल है, चकमक माही आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। जैसे तिल के अंदर तेल होता है, चकमक पत्थर के अंदर आग होती है, और पत्थर को चोट करो तो उसमें से चिंगारी उठती है। अगर उसमें आग है नहीं तो निकलती कहाँ से? और आग निकलती है तो हाथ छूने से जलता क्यों नहीं? कबीर साहब कहते हैं, धन का अभिमान ना करो, धनवान बनो, धनवान होना गुनाह नहीं, लेकिन धन का अभिमान करना गुनाह करा देता है। धनवान बनने के लिए गुनाह ना करो, लेकिन धनवान बन गए हो तो धन का अभिमान ना करो, क्योंकि धन टेम्परेरी आता है। कभी धनवान है इतना, कभी इंसान निर्धन है, कभी दुख है कभी सुख है, इसी का नाम जीवन है। कभी कभी बचपन में तुम बहुत गरीबी देखते हो और जवानी में तुम अमीर हो जाते हो, और कभी कभी पुनः तुम बुढ़ापे में फिर गरीब हो जाते हो। आपका भाग्य हर उम्र में बदलता है,
हर रोज बदलता है, सुबह और शाम भी भाग्य बदल जाता है। कभी कभी सुबह आपको नाश्ता बहुत अच्छा मिलेगा और कभी कभी दोपहर में आपको भोजन मिलेगा ही नहीं, भाग्य बदल गया। शाम को कोई आपको पूछने वाला नहीं मिलेगा। कभी कभी इतने लोग पैर छूने वाले मिलेंगे कि छूने के लिए मना करना पड़ेगा, और कभी कभी पैर छूने वालों का इंतजार करना पड़ेगा कि कोई आए नमस्कार कर ले, भाग्य बदल गया। कभी तुम्हारी बहू तुमको ताजा भोजन परोस कर लाएगी, कहेगी दाऊ जी भोजन कर लीजिए, और कभी कभी न पत्नी पूछेगी न बहू पूछेगी, तुम इंतजार में बैठे रहोगे कब पूछेंगे, पूछने वाले नहीं, भाग्य बदल गया। कभी गरीबी आ जाती है और कभी तुम धनवान हो जाते हो, कभी तुमको बड़ा सा बड़ा पद मिल जाता है। अभी राष्ट्रपति का प्रोग्राम था मध्य प्रदेश में, उसमें मेरा भी आमंत्रण था, मैं सम्मिलित हुआ। तो जहां वहां पूर्व मुख्यमंत्री थे उनको चौथे नंबर की लाइन में बिठा दिया गया, वर्तमान मुख्यमंत्री प्रथम नंबर की लाइन में। तो मैंने विचार किया कम से कम पूर्व मुख्यमंत्री है तो दो नंबर की लाइन में बिठाते तो अच्छा था, चार नंबर की लाइन में बिठाया और हालचाल भी नहीं पूछा, उसका नाम भी मंच पर नहीं लिया। एक दिन वो था जब वो स्वयं मुख्यमंत्री था तो उसकी तूती बोलती थी, नाम चलता था, आदेश चलते थे। आज वो पूर्व मुख्यमंत्री हो गया तो चौथी लाइन में बैठा है चूहे की तरह दुबक करके, कोई पूछने वाला नहीं, भाग्य बदल गया। बचपन में जैसा तुम्हारा भाग्य है जवानी में ऐसा नहीं रहेगा, और जवानी में जैसा भाग्य है बुढ़ापे में फिर बदल जाएगा। कितने गरीब लोग अमीर हो गए, अमीर लोग गरीब हो गए, जमींदार बिना जमीन के हो गए, और जिनके पास कुछ नहीं था वे जमींदार हो गए। ये किस्मत का खेल बड़ा निराला है। भगवान किसी का भाग्य नहीं बनाता है, भाग्य के रचनाकार तुम स्वयं हो। कर्म प्रधान बेसुर चिराखा, गाइए जोर से। कर्म प्रधान बेसुर चिराखा, जो जस करही सुत से फल चाखा, जो जस करही सुत से फल चाखा। कर्मों की प्रधानता है, कोई विरले अपने कर्मों को सुधारता है। कर्म बिगड़ जाएंगे भाग्य बिगड़ जाएगा, कर्म सुधर जाएंगे भाग्य सुधर जाएगा। भाग्य को चमकाना है तो कर्मों को संभालिए, और कर्म करने में तुम स्वतंत्र हो लेकिन कर्म का फल भोगने में परतंत्र हो। और सुबह से लेकर शाम तक जो कर्म करते हो वही तुम्हारा कर्म तुम्हारा भाग्य बन जाता है। कर्म की कलम से भाग्य को लिखा जाता है, ब्रह्मा जी भाग्य नहीं लिखते हैं, ना कोई देवी देवता परमात्मा भाग्य लिखता है। अच्छे कर्म करोगे भाग्य भी अच्छा बनेगा, और आपका भाग्य अच्छा है इसकी पहली पहचान होती है कि आपको सुंदर शरीर मिलेगा।
दूसरा लक्षण है कि आपको विशेष बुद्धि मिलेगी। तीसरा सौभाग्यशाली का लक्षण है कि अच्छे देश में जन्म होगा। चौथा लक्षण है सौभाग्यशाली आत्मा का कि अच्छे प्रदेश और अच्छे गांव में जन्म होगा। ऐसे गांव में जन्म होगा जहां पर सत्संग और भक्ति का वातावरण होगा। ये भाग्य कोई साधारण चीज नहीं है। तुम घर छोड़ करके हजार कोस दूर पर चले जाओ, वहां भी जो तुम्हारे भाग्य में है वो पहले से ही पहुंच जाएगा। घर में रहो तो भी वही बात है, बाहर रहो तो भी वही बात है। कर्म को बदलने की कला सीखो। पाप कर्म करोगे भाग्य बिगड़ता चला जाएगा, पुण्य कर्म करोगे भाग्य सुधरता चला जाएगा, और सबसे बड़ा पुण्य सत्संग कराने से होता है। जब तुम सत्संग कराते हो तो इससे बहुत बड़ा पुण्य हो जाता है। सत्संग सुनने से भी पुण्य होता है और सत्संग में दान करने से बहुत पुण्य होता है और सत्संग का प्रचार करने से भी पुण्य होता है। माता पिता और गाय की सेवा करने से भी पुण्य होता है, साफ सफाई रखने से भी पुण्य होता है, गम खाने से भी पुण्य बढ़ता है, परस्पर प्रेम से रहने से भी पुण्य बढ़ता है, प्रसन्न रहने से भी पुण्य बढ़ता है, और ये सभी चीजें मिलकर के भाग्य को बना देती है। प्रसन्न चित्त स्वभाव हो, कर्म करने में आलस्य न हो, पाप कर्म कभी हाथों से न हो, नशा व्यसन खाने पीने की आदत न हो, चरित्र सुंदर चमकता हुआ सितारा हो, व्यवहार मधुर हो, वाणी आकर्षक हो, तो भाग्य आपका सौभाग्य में बदलेगा। उस भाग्य को कोई बिगाड़ नहीं सकता है। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो कि समस्त प्राणियों में सबसे अधिक बुद्धिमान प्राणी है और इसकी बुद्धि बहुत विचित्र होती है। ये अपनी बुद्धि का सदुपयोग तो बहुत कम कर पाता है। ज्यादातर इसकी बुद्धि दुनिया के द्वंद में, राग द्वेष में, कलह कलेश में, उदंडता में व्यतीत हो जाती है। और ये मनुष्य जब दुख पाता है तो दूसरों के ऊपर गलतियां थोप देता है कि उनके कारण मुझे दुख मिल रहा है। जब गरीब हो जाता है तो कहता है कि शासन के कानून अच्छे नहीं। जब अमीर हो जाता है कहता है सब कुछ अच्छा हो रहा है। जब इसको दुख मिलता है तो कहता है कि मेरी पत्नी ठीक नहीं है, मेरा पति ठीक नहीं है, मेरा घर ठीक नहीं है। और जब ये सुखी हो जाता है तो कहता सब कुछ ठीक है। ये बड़ा चालाक प्राणी है। कभी कहता है माँ की गलती से दुखी हूँ, कभी कहता पिताजी की गलती से दुखी हूँ। याद रखना, आत्मा अजर मर विनाशी है। अनेक जन्मों से आत्मा बार बार संसार में आती है, शरीर छोड़कर चली जाती है, लेकिन ये आत्मा जैसा इसने कर्म किया है, जैसा भाग्य बनाया है, वैसा इसको माता पिता भी मिलते हैं। ये माता पिता कोई ऐसे फोकट में नहीं मिलते। तुम्हारे प्रबल पुण्य होंगे तो अच्छे माता पिता मिलेंगे। अगर आपकी पुण्य कम है, पाप ज्यादा है, तो दुष्ट माता पिता मिलेंगे, बुद्धिहीन माता पिता मिलेंगे, झगड़ालू माता पिता मिलेंगे। पिता दारू पिएगा और माँ आलसी बनकर सोती रहेगी, ऐसे माता पिता मिलेंगे। और यदि आप पुण्य आत्मा हैं
तो माता पिता दोनों बड़े समझदार मिलेंगे, और जिनको माँ बाप समझदार मिल गए, भाई बहन प्रेम करने वाले मिल गए, और जिस गांव में जन्म हुआ है गांव के लोग सत्संगी मिल गए, और जो दोस्त मिले वो भी बड़े भक्ति वाले मिल गए, तो समझ लो वो जीव का सौभाग्य उदय होने वाला है, इसमें कोई संदेह नहीं है।